कश्मीर की किसी घाटियों में नहीं लग रहे। ये नारे लगे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाब केसरी की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वीडियो उत्तराखंड का है। बताया जा रहा है कि अल्लाहू अकबर के नारे वाला ये वीडियो देहरादून के विकास नगर का है, जहां पर कुछ कट्टरपंथी इकट्ठा होकर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह जानकर तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पहले मजार जिहाद, अब लव जिहाद। देवभूमि में आखिर हो क्या रहा है? पंजाब केसरी की रिपोर्ट के मुताबिक विकास नगर से एक लड़की खरीदारी करके अपने घर लौट रही थी। आरोप लगाया जा रहा है कि इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के दो युवकों ने उससे छेड़छाड़ की। लड़की ने घर लौटकर इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी। लड़की के परिवार वाले पड़ोसियों को साथ लेकर पुलिस के पास पहुंच गए और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मामले की जानकारी हिंदू संगठन के लोगों को भी हुई। उन्हें आरोपियों को ढकरानी इलाके की एक मस्जिद में छिपे होने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही हिंदू मस्जिद के बाहर पहुंच गए और वहां जमा हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। कहा जा रहा है कि ये भीड़ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मैसेज डालकर देहरादून के अलग अलग हिस्सों में जमा की गई थी। दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में पहुंची मुस्लिमों की भीड़ मस्जिद के आगे जमा हो गई। इस भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बार फिर आप ये वीडियो देखिए। हालांकि पुलिस एक्शन मोड में आई और भीड़ को उल्टे पैर वापस खदेड़ दिया। उसके बाद धामी की पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपियों को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये भीड़ नारे क्यों लगा रही है? उन लोगों को बचाने के लिए जिन लोगों ने एक लड़की को छेड़ा है। अगर वायरल वीडियो देवभूमि का है और मंचलों को बचाने के लिए ये नारे लगाए जा रहे हैं, तो कहां तक सही है? इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।